ये देखिए मेरा तीन कोयला दोस्तों, वो एक इधर दो माँ दिया था पास का, जाके जब वापस आ रहा था तो ले जाओ बोला है। तो ये लोग दाना तो इधर नहीं मिलता है, तो चावल से दे दे के, काना से दे के पाल रहा है। देखिए बड़ा हो गया रे। आ, 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 आ। बड़ा हो गया ना दोस्तों, देखिए ऐसे यही चावल देता है। कहा 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 के जल्दी बड़ा हो जा। वो दो तो उधर क्या कर रहा है। आ 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 वाह, पूरा समझता है जो। आ आ आ आ कहा कहा क्या करेगा, उपाय नहीं, जल्दी जल्दी बड़ा हो जाओ। कहा कहा आउटपोस्ट में बेचने से यही प्रॉब्लम है दोस्तों, जब ऑफिशियल ड्यूटी नहीं होता है, जब हॉलीडे होता है तो बहुत बोरिंग लगता है। वो ड्यूटी जाने से तो थोड़ा उधर टाइम पास हो जाता है, ठीक है, दोस्त लोग से मिल के थोड़ा टाइम पास तो हो जाता है, लेकिन जब हॉलीडे आता है तो बहुत बोरिंग है। कैसा वक्त बिताएगा वही सोचता है। पूरा आउटपोस्ट है ना मेरा, जहाँ में हम है, आसपास में कोई दुकान सुकान भी नहीं है, पूरा जंगल है। देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार है, देखिए पूरा चारों तरफ जंगल। टाइम पास कहाँ करेगा, अभी जंगल में घूमने जाओ नहीं तो कोई पूरा टाइम पास करने का जगह ही नहीं है। अभी थोड़ा बाद में निकालेगा वॉक पे, पूरा लंबा वॉक करके आएगा, कम से कम 2 घंटा का वॉक करेगा, एक से घूम के आएगा। तो और क्या करेगा, टाइम पास करने का जगह नहीं है, पूरा टिक से घूम के आएगा, बस्ती को चांद मारेगा। कितना बेकती रहेगा, बोरिंग है, निकल गया। आज टिक से घूम के आएगा, जब तक पूरा ताक के चुकना चूर नहीं हो जाएगा तब तक घूमते ही रहेगा, पैदल चलते ही रहेगा। कितना बेकती रहेगा, कितना बेकती रहेगा, बोरिंग। तो आप टिक से चल के एकदम खेती तो जाता होता नहीं है यहाँ में, तो चल के अपने एनर्जी को थोड़ा ये करना पड़ेगा, वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा बेचे बेचे बीमार हो जाएगा ना। चर्बी लुक को, पेट्स लुक को निकलना है अभी। तो आप चलते रहेगा तो आपका एनर्जी बर्न होगा, तो हार्ट फंक्शन भी ठीक ठाक रहेगा। बने रहे ब्लॉग्स पे दोस्तों, आज हम कहाँ कहाँ घूमेगा आप लोग को दिखाएगा। अभी इस वक्त तो संपोई पे है, देवरी विलेज संपोई। बहुत चिड़िया है इधर दोस्तों, आवाज सुनिए यहाँ चिड़िया का। वो तो लुपो का आवाज है, लुपो, हम लोग लुपो बोलते हैं। स्क्वाडल वो देखो, सुन रहा है, बहुत स्क्वाडल भी है इधर। संपोई ब्लेस, संपोई वन है दोस्तों। तो यहां से घुस के देखते हैं। कितना गर्म बैठते रहेगा, बेकार, बोरिंग। आंगनवाड़ी सेंटर कहाँ ले जाता है, देखता है ये रास्ता। तो यहां से जाने से जसनापुर मिलता है बोले, जसनापुर तो क्या क्या पूर है यहाँ पे, आपको सब जगह पूर पूर वाला ज्यादा मिलेगा। जो जितना चकमा विलेज है डैन सर्कल में, सबका पीछे में तो पूल लगा ही है। पूरा परेश के जा रहा है रे। जंगली चूहा तो बहुत होगा रे इधर, ऐसे जगह में ज्यादा चूहा रहता है। जंगली चूहा खाने में भी बहुत टेस्टी होता है ना,
तंदा तंदा जगह में इधर पक्का हो गया वह जंगली चूहा। यहाँ में हंटिंग ज्यादा नहीं करते ना हम लोग, आपतारी ट्राइब इधर बैठेगा तो पूरा चारों तरफ बिछा देगा। ये रेड ट्रैप बोलते हैं ना हम लोग का भाषा से बोलते अटकू। वो पूरा मोटर का केटी है रे इधर। ये मूला मूला केटी ये मोटर इतना कास नहीं हुआ है लेकिन हुआ है तो इधर है सरसों और ये फिर मूला मूला नहीं है ये मोटर। वाह देखिए बहुत हुआ है ना। सीजन में जो पर्स पर्स निकलेगा वो तो बहुत कमाएगा, दाम होता है ना पर्स पर्स निकलने से, बाद में जाके तेरा प्राइस गज जाता है। इधर भी मोटर ही मोटर, जिसका पहले निकलेगा वो तो खूब कमाएगा। वाह चारों ओर बगानी बगान है रे। अच्छा इधर निकल गया, ये जसनापुर का सबसे एंडिंग, सबसे एंडिंग जगह है जसनापुर का। इधर निकल गया ओहो। बस घूमते रहो, मेरे तो काम है आज का काम है सिर्फ घूमना, ठीक से घूमो और एनर्जी वेस्ट करो, बीमार जुगाड़ नहीं होना है, बेटे बेटे बीमार नहीं होना है, तो घूमते रहो बस जहाँ तक ले जाएगा जाएगा। वह ये कहाँ आ गया, थोड़ा तो दौड़ भी लग रहे रे, फिर भी चलो दिन है क्या दौड़ना है, चलते रहो निकाल ही जाएगा मंजिल मिल ही जाएगा। जहाँ पे इतना सारा तमुल पेड़ आप देखिएगा समझ जाओ चकमा बिले से, पूरा सिपाही का पेड़ ही सिपाही का पेड़। हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना इसलिए देखिए सोलर प्लेट पूरा तंगा हुआ है। ये चाय बगान आ गया रे। ये कहाँ घुसा था, तो दौड़ भी लग रहा था रे, फर्स्ट टाइम है ना ये रास्ता में। अभी मुरक्त नाला मिलेगा लग रहा है। ये कहाँ आ गए, नदी पार करना पड़ेगा। चौथा से एक नाला है, सिर्फ रात नहीं होना है, अंधेरा नहीं होना है, उजाला होना है। तो उजाला होने कोई नहीं, वही भी निकल जाएगा आराम से, अंधेरा होने से ना दिखदड़ी है। और ये लेकिन कहाँ कहाँ जा रहा है भाई, पर्स टाइम है थोड़ा दौड़ भी लग रहा है, फिर भी कोई नहीं उजाला जब तक है डरने का नहीं, मंजिल मिलेगा ही मिलेगा। बेटा मुरको नाला यहाँ से निकलता है, ओ सीधा जाना है क्या। अच्छा ये कौन सा नदी है, ओ संपोई को उधर निकालने वाला है क्या ये नदी जो ना। अच्छा सामने है क्या मुरको नाला, ये वाला बस्ती तो ओ कहा से सीधा जाने से मिल जाएगा ना। थैंक यू। इधर आ गया बरा नदी,
नलाए नलाए तो इसलिए शायद इसका मुड़क तो नलाए। जूता तो कुलना पड़ेगा अभी, चलो उधर पीन लेते हैं कुल के। बहुत ठंडा है रे पानी जो, मोस्टली होगा कि नहीं होगा? होगा, रेगुलर बहने वाला पानी है ना, ऐसे में मोस्टली होता है। वाह वो ठंडा है रे, नहाने जी लोग जाओ। नदी जो क्रॉस कर दिया अभी अभी, यहाँ का गांव वाला से भी बातचीत हुआ है, वो बताया यहाँ से जाना है। यहाँ में दोस्तों आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा, आपको एकदम रास्ता अच्छा दिखाएगा, हेल्पफुल आदमी लोग बहुत सीधा साधा है ना, गांव का है तो सीधा साधा अच्छा है सब। अभी हम लोग मुडक्कु नाला में है, चकमा विलेज मुडक्कु नाला। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी तो कनेक्शन तो नहीं है, वो ज़्यादातर तो सब सोलर से बीत रहे, आ जाएगा धीरे धीरे। वाह मजा आ रहा है, एक दोस्त भी मिल गया डाइन में, वो उसका अपना बाइक ग्रेस है, वो चाय हुई पी लिया, वो ब्लॉग्स तो नहीं बनाया है, फिर भी मजा लगा है सच में। वॉक करते समय तो फिर भी चाय हुई तो नहीं पीना चाहिए था, फिर भी पी लिया, दोस्त चाय पी के ही जाओ बोला। तो अभी देखते हैं और कितना दूर चलते हैं, रास्ता तो बताया इधर से जाते जाते आराम से निकल जाएगा। हाँ इधर निकल गया, इसको तो हम जैसे तो जानते हैं, आ चुका है। तो जो जो मिला है बहुत सपोर्टिव था रे, हेल्पफुल था एकदम, रास्ता तो बहुत बढ़िया से बता रहा था, यहाँ से जाइए बोल के। तो यहाँ से तो पूरा मालूम है, आ चुका है इधर। अभी जाते जाते मंदिर भी लेगा, मुडक्कु नाला मंदिर बहुत बड़ा है मुडक्कु नाला। इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा नहीं है, गांव वालों तो बहुत एकदम हेल्पफुल है, आपको देखिए ना हम कहाँ घुस गया फिर भी रास्ता पूछे तो बढ़िया से बता दिया, यहाँ से जाइए बोल के। अभी निकलने वाला है, ये पहुँच गया शुभ ज्योति बुद्ध बिहारा मुडक्कु नाला। ये है मुडक्कु नाला का टेंपल, बुद्धिस्ट टेंपल। देखिए समय तो नहीं हुआ अभी तक, सूरज डालने के लिए टाइम लगेगा, तो बदन भी चुकना चूर नहीं हुआ, ताक के तरह घूम के आ ही जाता है। और मुडक्कु नाला तो पूरा घूम लिया, अभी ये रास्ता से होते हुए सोमपोई से निकलेगा। अभी तक शाम डालने के लिए समय है, थोड़ा शाम में जाना है। बदन भी चुकना चूर नहीं हुआ है, काल तो पूरा चुकना चूर हो गया था, ताक के कदम बढ़ाने मुश्किल हो रहा था। आज तो पूरा एनर्जी है रे अभी तक, तो इसका मतलब है और थोड़ा ज़्यादा है एनर्जी को और थोड़ा वेस्ट कर रहे। तो आज में भी एकदम गहरा नींद में बढ़िया से सोएगा, तो चलते रहो अभी। अरे गिरेगा रे, तो चलते चलते पहुंच गया सोमपोई विलेज। यहाँ से सोमपोई विलेज शुरू होता है दोस्तों, सोमपोई विलेज का ये पीछे वाला हिस्सा है, आगे में है मेन विलेज, तो ये पीछे वाला हिस्सा तक जाने से बहुत अच्छा लगता है शरीर को। ये जो टाउन में एकदम वॉक जाता है ना, दौड़ता है जे टाउन में, एकदम गाड़ी आ रहा है जा रहा है उसमें वॉक कर रहा है दौड़ रहा है, ये तो ब्रेड इन में तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर घुसा रहा है ना, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं जब भी एकदम हमको पोस्टिंग मिलेगा तो विलेज टाइप में मिलना है, विलेज ये सब में मिलने से आपको पूरा एकदम फ्रेश एयर, वॉकिंग जॉगिंग के लिए एकदम बढ़िया फ्रेश एयर मिलता है ना विलेज साइट में।
टाउन में एकदम, हाँ टाउन में जाएगा तो अर्ली मॉर्निंग, कोई नहीं इतने समय में 5-6 बजे तरफ तरह व्हीकल्स कमती होता है, तो उस समय जगह अच्छा वाला देख के उसमें आप वॉक में जा सकते हैं, जॉगिंग में जा सकते हैं। लेकिन इवनिंग को तो पूरा पोल्यूटेड हो जाता है ना व्हीकल्स से, तो उसमें जाके भी काम नहीं है ऐसे लगता है मेरा अंदाज से। फिर भी जाने वाला बहुत है, मुझे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ऐसा एकदम फ्रेश होना है, फ्रेश एयर। ये जो विलेज टाइप में, विलेज साइड में तो पूरा आपको बहुत बढ़िया है रे, वॉक जाना आपका सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, वो तो सब जानता ही है। खासकर दोस्तों कोई कोई होता है ना जो रात में एकदम झटका से उठता है, अचानक से एक झटका से उठ जाता है ना, उसका साथ में सोने वाला भी डर जाता है। कोई कोई कभी कभी होता है तो झटका से पटक से उठ जाता है, हम लोग भी, आप लोग भी होता होगा, वो सब हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन ठीक ठाक नहीं होने की वजह से ऐसा हम लोग अचानक से उठ जाता है पूरा, मतलब जैसे कि कुछ हो गया जैसा, तो ब्लड सर्कुलेशन पूरा मतलब सब जगह ब्लड को नहीं पहुंचा पाने का कारण ऐसा होता है, तो उसके लिए तो वॉक जाना है दोस्तों। वॉक जाने से भी चौथा होता वॉक नहीं, आपको एकदम लंबा वॉक ऐसा जाना है कि आपको पूरा ब्लड तो से लेके आपको सिर तक जाए, सिर से लेके पूरा तो तक ऐसा वॉक करना है, पूरा ताक के चुगना चूड़ हो जाना है दोस्तों। वो भी एक बार से नहीं होगा, हो सके तो हफ्ता में आप कम से कम 4 बार, 4 बार तो जाना ही है, जैसे भी इतना एकदम ऐसा पूरा चल के तक जाना है। बीच बीच में जॉगिंग भी करना है, दौड़ना है, नहीं दौड़ने से भी आप सिर्फ चलेगा बोलने से भी, पैदल मार्च करेगा बोलने से भी कम से कम पूरा बहुत दूर तक जाना है आपको, तक के चुकना चूर हो जाना है दोस्तों। आज तो मेरा हालत खराब हो गया, आगे मैं तो बिल्कुल नहीं तका था, अभी तो पूरा तक के खत्म। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो आप लोग से फिर बहुत जल्द मुलाकात करूँगा एक नए ब्लॉग के साथ दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हेल्दी रहिए और एकदम फिट रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।